अगिना लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जनता और संविधान के साथ रहूंगा, संविधान से छेड़खानी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। वाले दिनों में जब आपको संपर्क किया जाएगा एनडीए के धड़े में आने के लिए या फिर यूपीए के धड़े में आने के लिए, रुख किधर होगा? मेरा रुख संविधान के साथ है। अगर संविधान कोई खिलाफ जाएगा तो उसको चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला करना पड़ेगा। मुझे वहाँ की जनता ने चुनकर भेजा, जिन उम्मीदों से, मैं कभी जनभावना के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मैं अपनी पार्टी का अकेला सांसद हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के अकेले सांसद होने के नाते अपनी पार्टी का जो विचारधारा है उसके साथ खड़ा रहूंगा और मजबूती से अपने क्षेत्र की और देश भर में जो समस्या उन पर सवाल खड़े करूंगा। चंद्रशेखर जी, आप दिल्ली में हैं, ये देश की राजधानी, लेकिन यहाँ सीवर में हम लोग हर तीसरे दिन मरते हैं। हम यहाँ ठेकेदारी पर 7,000, 8,000, 9,000, 11,000 रुपये काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि प्रमोशन रिजर्वेशन SST के कर्मचारियों को मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ OBC को मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दे रही है सरकारें? सिर्फ क्या हम वोटर ही बने रहेंगे? नहीं, बहुत हो गया है, अब जवाब देने पड़ेंगे। आज भी 80 करोड़ लोग जिनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उनको हम सस्ता राशन दे रहे हैं, मगर इसका मतलब ये है ना कि अच्छी सुविधाओं से बहुत दूर हैं वो इंसान, है उनके जीवन को समझना पड़ेगा। सड़कों पर लाखों लोग सो रहे हैं भूखे पेट बिना छत के, इनका जवाब देना पड़ेगा कि इनके लिए क्या किया सरकार ने। तो जवाब कौन देगा? सरकार देगी, सरकार देगी। जो भी सरकार रिफॉर्म हो रही है उनसे सवाल किए जाएंगे और हम यहाँ इसलिए हैं कि जनता के हित के आवाज उठे। तो पक्ष में आप बैठेंगे विपक्ष में? मैंने क्या कहा, मैं जनता के पक्ष में बैठूंगा। एक चीज और, पीएम मोदी संविधान की जो प्रति है उसको आज लेकर उसके प्रति सम्मान जताते हुए संसद भवन में घुसते हैं, तो आपको कुछ उनको देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या लगती है? अब आप समझिए ना कि ये क्यों करना पड़ा है, क्योंकि उनके नेताओं ने बहुत बड़बोलापन दिखाया और कहा हम संविधान को बदल देंगे, उसी का खामियाजा हुआ कि नेता सब जनता ने उनका अहंकार तोड़ दिया।